मीडिया वालों को दो है भयो का में ये मीडिया वालों को दो जेवरी को साफ बना दो न्याय कैसे मिलेगा आप मीडिया न्याय प्रणाली दूषित कर रहे है अफवाह फैला रहे है न्याय विभाग भ्रमित कर रहे है गुमराह कर रहे है कहाँ से मिलेगा न्याय हम लोग तो अकेले हैं हमारी दो तीन घर हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं अब उन लोगों का तो पूरा परिवार ही है यहाँ से चारों तरफ देखो तो वही लोग हैं ज्यादातर तो ये चीज है उसमें भविष्य का ये है सब कि यहाँ तो हम लोग का रहना ठीक नहीं है क्योंकि ये यहाँ का माहौल तो गर्मा गर्म है अब एक बेटी को तो खो दिया है कहीं ये लोग दूसरे पे निगाह नहीं रखें तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ से रहना ठीक नहीं है। घर पर संगीन का साया हो तो साल भर कैसे बीतता है ये हाथरस के भूलघड़ी गांव के इस घर से बेहतर कौन पहचान सकता है। जी हाँ, शायद ही किसी की जहन से वो घटना मिटे जो हाथरस में एक साल पहले हुआ और इसी घर की ने अपनी बेटी को खोया था लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी बहुत सारी यादें बहुत सारी बातें जहन में हैं। परिवार के साथ हम बात तो करेंगे ही कि किस तरीके से उनका साल रहा लेकिन साल में बहुत कुछ बदल गया। लगभग इस पूरे इलाके में न जाने कितनी चर्चा हुई इस पूरे मामले की। बड़े बड़े नेता आए और सियासत भी खूब हुई हाथरस मामले को लेकर के लेकिन क्या परिवार के लिए क्या कुछ बदला। हमारे साथ पूरा परिवार इस वक्त है। क्या देखा है आपने साल भर? साल भर में हमने बहुत कुछ देखा है। बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर दुख लगा क्योंकि हमारी बहन तो चली गई उसके बाद इतना बड़ा अत्याचार हुआ हमारे साथ बहुत बड़ा हमें दुख है हमें। लेकिन कई सारी बातें हुई। पिता हैं आप, एक पिता के नजरिए से देखें बड़े बड़े नेता आए सीबीआई जांच हुई बहुत सारे बयान आए उस बीच में आप लोग को क्या लगता है कि अब अकेले हैं या लोग साथ अभी भी हैं क्या लगता है? नहीं सर, ऐसा है कि हम लोग तो अकेले हैं हमारी दो तीन घर हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं अब उन लोगों का तो पूरा परिवार ही है यहाँ से चारों तरफ देखो तो वही लोग हैं ज्यादातर तो ये चीज है उसमें। कैसे रहते हैं आप? कहीं बाहर जा सकते हैं? क्या है आपके? अभी तो बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी सीआरपीएफ के का कहते सुरक्षा में है इसलिए कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा घर है यहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता है। बच्चे हैं महिलाएं हैं लेकिन कोई भी बाहर नहीं जा सकता बिना किसी जानकारी दिए हुए क्योंकि सीआरपीएफ का पहरा है। माँ है, एक माँ के लिए कितना बड़ा दर्द था? आप पे कई बार बहुत सारी बातें आपके लिए भी हुई कि आप दादी हैं तो क्या क्या कैसे था आपके लिए? मैं तो कैसा ही नहीं लगता साफ, एकदम घबराहट सी होती रहती है, घबराहट होती है। तो ये एक अजीब सा किसी स्थिति है। साल हुआ है, परिस्थितियां विषम हैं, बच्चे अपनी जगह झूले पे तो पेंग मार रहे हैं, बच्चियां हैं और लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी कशमकश यहाँ पर दिखाई देती है। हम ऊपर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरीके से छत पर पूरी तरह से छावनी बना दिया गया है। यहाँ पर एक 2400 घंटे निगाह रखने के लिए तमाम पहरा है। साथ ही साथ किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी आप पर 24 घंटे निगाह रखते हैं। ये तमाम चीजें तो हैं लेकिन साथ में चल रही है सीबीआई की जांच। आप लोगों को लगता है कि सीबीआई जो अब कर रही है, अब कोर्ट में सुनवाई चालू है तो न्याय मिल पाएगा? देखो उम्मीद तो है न्यायाधीश पे, न्यायालय पे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा और हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और कभी कोई सुलह की बात हुई? क्योंकि दोनों पक्ष आप लोग इसी गांव में रहते हैं तो साल भर में क्या कुछ हुआ? नहीं देखो, कोई सुलह वाला की कोई बातचीत नहीं हुई और काफी सारा इन लोगों ने तो काफी मतलब कि ऑनलाइन की मामला कर रहे थे। अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट लगा दी, उसका थोड़ा मामला ठंडा हुआ, नहीं तो ये लोग तो ऑनलाइन का पूरा मामला कर रहे थे। तो अब आगे अब देखो, अब हमारे बयान चल रहे हैं, उसके बाद जस्टिस मिलेगा, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो एक परिवार को आपको पूरा इस गांव में रखना, क्या आप लगता है क्या कि आप इस गांव में सुरक्षित हैं, या आने वाले समय में जब ये पूरा मामला खत्म होगा तो कुछ आपने भविष्य का कुछ सोचा है? भविष्य का ये है सब कि यहाँ तो हम लोग का रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का माहौल तो गर्मा गर्म है। अब एक बेटी को तो खो दिया है, कहीं ये लोग दूसरे पे निगाह नहीं रखें, तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ से रहना ठीक नहीं है। तो जब सुरक्षा हटेगी तो आप सोचेंगे यहाँ से जाने का? हाँ, देखेंगे कहीं दूसरी जगह। और हमें तो यही यहाँ, चूंकि हमें तो यहाँ डर ही लगा रहता है, क्योंकि ये लोग तो पूरा यहाँ का पूरा संगठन है, यहाँ तो हम लोग दो तीन घर हैं, ज्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे। नेता बहुत सारे आए थे उस समय, राहुल गांधी आई थी, प्रियंका आई थी, और भी बाकी दलों के बड़े बड़े नेता आए थे, क्या अब भी किसी से आप संपर्क में हैं? क्या है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो क्या अब भी नेता आपके संपर्क में है? नहीं, वो क्या कहते हैं, अब तो कोई नहीं आता है, उसी समय आए थे एक आध दो, कभी कभी आ जाते हैं मिलने के लिए, कोई नहीं तो और कोई नहीं आता है। तो ये एक अजीब सी विडंबना है, एक पूरी सियासत इस घटना के बहाने हुई, और अभी ज्यादा कदा जब भी मौका लगता है तो इस पर सियासत खूब होती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, निश्चित तौर पर इस घटना के बहाने और भी सियासत होगी। लेकिन पहली बात कि परिवार कह रहा है कि इस गांव में सुरक्षित नहीं है, जब भी सीआरपीएफ का पहरा यहां से हटेगा वो घर छोड़ करके जाएंगे, और दूसरी बात कि जब घटना हुई बड़े बड़े नेता आए, लेकिन अब कोई भी पूछने नहीं आता है। तो एक साल चुटकी में यूं निकल जाता है, लेकिन इस परिवार के लिए वो एक साल पहाड़ जैसा रहा, और आगे न जाने और भी कितनी ऐसी चुनौतियों से उसे जूझना पड़ेगा उस पीड़िता को न्याय दिलाने। हाथरस के इस भूलगड़ी मामले को एक साल हो गए, जहां पर पीड़ित परिवार है वहां पर आरोपी परिवार पर भी बहुत कुछ उनका भी कहना है, किस तरीके से ये पूरा परिवार यहाँ पर घर है। हालांकि लोग कहने से बच रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कोई बात नहीं करना चाहता है, कैमरे पर तो कम से कम नहीं ही आना चाहता है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये बताइए कि जिस तरीके से सारी चीजें हुई, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? भाई बार बार कह रहे हैं, हम कुछ ना कह रहे हैं। नहीं, लेकिन बात जो है आप ना, ना, आप बाबा कहे हैं, लेकिन जो लड़के हैं उनको उनको आपको लगता है क्या कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्या हुआ? बालकन के साथ न्याय बिल्कुल ना, बाबा की मेहताई ने और बाकी भैया ने मारी है, यही न्याय हुआ बस। तो आप चाहते हो कि न्याय मिले? न्याय तो ही जाएगा, मीडिया वाले ना चाह रहे कि न्याय मिले। आपको क्या लगता है क्या कि क्या बात हो गई, कहाँ कमी रह गई? बाबा दे रहे तुम्हें, मत करो, बाबा भी आ गए हैं, अब इनसे करते हैं। आपको लगता है क्या कि जो साल भर में हुआ न्याय नहीं आए, मीडिया वालों कर दो है, भयो का है, ये मीडिया वालों कर दो, जो बड़ी को साफ बना दो, न्याय कैसे मिलेगा? आप न्याय का मिल अंदर हो, मीडिया न्याय प्रणाली दूषित कर रहे, अफवाह फैला रहे है, न्याय विभाग भ्रमित कर रहे है, गुमराह कर रहे है, कहाँ से मिलेगा न्याय? बात का जो हतना है, है गो दुष्कर्म, फिर है गो सामूहिक दुष्कर्म, तोड़ दे रीढ़, काट दे जीव, कछु भयो ऐसा खामा खा धरे हल्ला, दे मीडिया दे मीडिया, अब तो मीडिया ही करेगा जो कुछ करे। तो जो कोर्ट में हो रहा है, अदालत तो में कोर्ट में जाएगा, फिर पूछा भी ना, हमें पूछे कहा आया, हम कोर्ट में देखो का साक्ष्य का सबूत है, कौन खिलाफ है, कहा है भाई साहब छापो ना, हमें कहा पूछे भी आवे, तो फिर हमें कहा पूछे भी आवे, तो नहीं। आपको लगता है क्या कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है? न्याय मीडिया ना हम दे रहो, अफवाह फैला रहे, हम तो आपकी बात भी पहुंचा रहे हैं। हाँ तो जे ही तो पहुंचा, कहाँ पहुंचा रही हो बात, क्या बात पहुंचा रही हो? आप कहो कि क्या बात पहुंचानी है, कौन की? आपकी। हम तुम जानते रहो, मैं कोर्ट में जाओ, मैं देखो साथ कहा साथ उन्हें के हिसाब से छापो। सीबीआई ने कैसे छाप दोगे? सीबीआई ने जांच की तो आपसे सीबीआई ने जांच की तो सीबीआई वाले ने पूछो, फिर सीबीआई वाले को साक्ष्य लगाया हो, मामे जांच तो कर दे सीबीआई वाले, गांव में कुछ साक्ष्य ऐसा लगाया हो जाते काबू फांसी है जाए। आज एक साल, आज एक साल हो गया, आपको लगता है कि आप पे ज्यादा बीती है? एक साल का 10 साल है जाए, मीडिया ऐसी दूरी पीटत रहेगी, न्याय प्रणाली दूषित करती रहेगी, तो कहा न्याय करेगी हमारे संग?
जब ये मीडिया हाय 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 कर रही है, जब ऐसी करते रहेगी तो कान्या में लंदे की जी। तो अब आपको क्या उम्मीद क्या है? क्या कोई बलात्कार ना भो चोना झापत, कोई रीढ़ ना टूटी चोना झापत, चोना जीव कोई जीव ना कटी चोना झापत, क्या कलम में स्याही ना है? क्या बात है? ये तो कोर्ट कहेगा ना। कैसे कोर्ट का कहेगा? तुम कहो जब कोर्ट कहेगा। हाँ जी बताओ। तो मैंने हल्ला मचाया ना, जाओ तुम अपने आप करो, जो कुछ करो सो या कोर्ट का करो। तो ये परिवार है जो जिन पे आरोप लगाया गया, उनका परिवार है, उनका कहना है कि उन्हें न्याय न्याय 11 महीना पहले क्या खाए हो तुमने? तुमने क्या खाए हो? खाना खाए हो तुमने? 11 महीना कहे थे खाना खाए हो? बोलो। तो आपको क्या लगता है क्यों इतनी नाराजगी क्यों है, गुस्सा क्यों है? गुस्सा जो है बालक हमारे अंदर है, तुम कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो। नाराजगी है उस परिवार की, खरीदी भैया मीडिया काम है, मीडिया कर रही है हाई 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 यहाँ कटना है। तो ये पूरा जो परिवार है, ये जो पूरा परिवार है वो नाराज है और मीडिया कर रही है, दुनिया में फोटो ले रहे बालक। ये इनका कहना है कि न्याय नहीं मिल रहा है, इनका कहना है कि जो आरोप लगाए गए गैंग रेप के या जीभ कटने के या रीढ़ की हड्डी टूटने की, वो वाली बात नहीं हुई है। इनका ये दावा है कि इस तरीके का कोई भी की कोई घटना नहीं हुई, और इसीलिए इन्हें नाराजगी इस बात की है कि जो सिस्टम गया या जो तमाम बातें हुई हैं वो इनके पक्ष में नहीं गई, और इसीलिए ये पूरे एक साल से इन्हें भी जो चीजें सहनी पड़ रही हैं वो इनके लिए भी मुश्किल की उतनी ही घड़ी है, क्योंकि इन्हें जो न्याय मिलने की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं बाकी घड़ी है। माँ तो दाम मिले, संगठन आया कि दाम फेंक रहे, करोड़ों रुपया में खेल लो, बाप का मुंह सरे कर जाए, क्या थोड़ी मत जाओ। ये इनका कहना है क्या कि जो पीड़ित पक्ष है उन्हें उन्हें पैसा मिला, उन्हें सरकार ने उन्हें उन्हें सरकार ने मदद दी, नेता आए, लेकिन इन्हें जो चीज उम्मीद थी वो अभी तक नहीं मिला। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, भूलगढ़ी गांव, हाथरस।